जींद से बड़ी खबर। कृषि विभाग की टीम ने नरवाना रोड पर देर शाम को पंजाब में अवैध रूप से ले जा रहे यूरिया खाद के बैगों से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। अवैध रूप से ले जाए जा रहे यूरिया खाद के बैगों की कीमत लगभग 2,00,000 रुपये 26,800 रुपये है। सदर थाना पुलिस ने पंजाब के 4 लोगों को नामजद कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल SDO श्री बलजीत सिंह एग्रीकल्चर द्वारा 4 ट्रैक्टर जिनके अंदर 840 कट्टे यूरिया खाद भरी हुई थी किसी व्यक्ति से लेके आए थे, जहाँ से उसके संबंध में किसी के पास कोई बिल कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके संबंध में थाना में आकर SDO बलजीत सिंह द्वारा शिकायत दी गई थी। शिकायत पर फर्टिलाइजर एक्ट के तहत FIR दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया। तो सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले थे और कितने कट्टे आपने बरामद किए? 840 कट्टा यूरिया खाद बरामद की गई है, जो सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले। तो सर, ये इस तरीके से लगाना यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से इलीगल माना है कृषि विभाग ने वाला पंजाब के अंदर लेके जा रहे हैं? कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जो इलीगल रूप से बगैर बिल के यहाँ से लेके जा रहे थे, जिनके पास कट्टों के संबंध में कोई भी बिल वगैरह नहीं था, जिसके कारण SDO द्वारा शिकायत दी गई थी, उसी शिकायत पर कार्रवाई की गई। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस सतर्क है, आगे भी अगर इलीगल रूप से खाद यहाँ से बाहर जाती पाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 48 फर्टिलाइजर एक्ट और चारों आरोपी पंजाब से संबंधित हैं, लुधियाना और पटियाला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।